किसान कानून के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बुलाए गए बंद में आज मुरादाबाद लखनऊ हाईवे पर किसानों ने धरना प्रदर्शन करते हुए हाईवे जाम कर दिया, जिसके चलते कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। किसान कानून के विरोध में पिछले 3 महीने से भी अधिक समय से किसान संगठन दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं और बीच बीच में उत्तर प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों में भी अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुरादाबाद मंडल में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बंद का आह्वान बुलाया गया था, जिसके अंतर्गत मुरादाबाद जनपद में कुल 6 पॉइंट बनाकर जाम लगाने की बात किसान मोर्चे द्वारा की गई थी, जिसमें थाना मुंडा पांडे इलाके के मनकरा मोड़ पर सुबह से ही किसान पहुंचना शुरू हो गए थे, जो 12 बजे के बाद हाईवे जाम में बदल गया। किसान हाईवे 24 पर धरना लगाकर बैठ गए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। किसानों द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद मौके पर भारी पुलिस बल भी बुलाया गया और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। किसानों द्वारा जाम किए गए हाईवे से सड़क पर वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। किसान नेता का कहना था कि ये बंद उनके मोर्चे द्वारा बुलाया गया था और लगभग 2 घंटे तक हाईवे जाम करके अपना विरोध दर्ज कराया गया है। मेरा नाम धर्मेश सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष मुंडा पांडे, भारतीय किसान यूनियन। आज जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं और किस चीज को लेकर के कर रहे हैं? आज ये मनकरा मोड़ है, ये पॉइंट बनाया गया था। मुरादाबाद में 6 पॉइंट बनाए गए थे। 6 पॉइंट में हमारे जिलाध्यक्ष श्रीमान मनोज चौधरी के आदेश अनुसार मुरादाबाद जिले में 6 पॉइंट बनाए गए थे। उनमें से 1 पॉइंट मनकरा मोड़ मुंडा पांडे है, इसका नेतृत्व मैं और हमारे तहसील अध्यक्ष नरेंद्र प्रताप चौहान जी कर रहे हैं और हमारे दोनों की अगुवाई में ये धरना प्रदर्शन यहाँ चल रहा है। कितने टाइम तक आपने नेशनल हाईवे बंद किया था? हमने तुम्हारे की 10 बजे से 12 बजे तक नेशनल हाईवे बंद किया है। अब क्या स्थिति है यहाँ की? कितना पुलिस बल आपको रोकने में लगा हुआ था? यहाँ SDM और जिले के PD, SO और आपने तुम्हारे की CO हाईवे, ये सब हमको प्रताड़ित कर रहे हैं। एक घंटे से आप उन्होंने हमारा घर ले लिया, हमारे घर चले गए, हमारे तहसील अध्यक्ष के घर चले गए और भी हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है जिला स्तर के, उनके पास चले गए। उनका सीधा मकसद ये था कि यहाँ कोई भी किसान ना आए हाईवे पे। सरकार ने भरकर किया, लेकिन फिर भी हमारे किसान लोग इधर उधर से होकर के आए हैं और हम यहाँ हमारी प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, आपकी मुख्य मांगे क्या थी जो आज नेशनल हाईवे बन गया? आज हमारा राष्ट्रीय आह्वान था, हमारी मुख्य मांगे वही हैं, MSP पर सरकार गारंटी कानून लाए। तीसरा, 3 जो अध्यादेश जो काले कानून हैं जो केंद्र सरकार लेकर आई है, उनको वापस किया जाए। तीसरा, जो गन्ने का रेट है हमारा, जो कोई भी तुम्हारी सरकार ने तुम्हारी किसी भी फसलों के किस्म का पैसे नहीं बढ़ाए हैं, हमें गन्ने का भुगतान किया जाए। गैस, रसोई गैस और पेट्रोल और डीजल, इन तीनों की कीमतें जो आसमान छू रही है, जिससे कि हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है, वो कम कर रही है। इनको लेकर के हमारा धरना प्रदर्शन यहाँ चल रहा है। अच्छा, अगर सरकार इन सब मांगों को आपको पूरी नहीं करती तो क्या कुछ करेंगे आगे? देखिए, किसान आर पार के मूड में है, आपको भी विगत होगा। पिछले आज जो है हमारे जो तुम्हारी धरना प्रदर्शन को पूरे 4 महीने, उस 4 महीना होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय आह्वान पर ये तुम्हारे की भारत बंद का आयोजन किया गया है, चक्का जाम का आयोजन किया गया है। और यदि सरकार नहीं मानती है, सरकार का पूरा ध्यान बंगाल चुनाव पर है, किसानों के ऊपर नहीं है। सरकार चुनाव लड़ने में ज़्यादा विश्वास रख रही है, किसानों की समस्याओं को सुनने में कोई विश्वास नहीं है। तो अब हमारी भी 1 महीने में फसल आ जाएगी, तो हम अपनी फसलों को लेकर तुम्हारे के सीधे संसद भवन का घेराव करेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश अनुसार जैसा भी आदेश आएगा, वो उसका पालन किया जाएगा। अच्छा, किसान संगठनों को कुछ राजनीतिक पार्टियाँ मजबूत कर रही हैं, खड़ा कर रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर कोई भी अगर संगठन तुम्हारे की मजबूत कर रहे हैं, हमारे किसानों के हाथ मजबूत कर रहे हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन कोई भी पार्टी अभी तक का ये देखने में प्रकाशमान है, 4 महीने के अंदर कोई भी हमारे साथ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, लेकिन दिल से कोई नहीं है। अगर जो हमारा समर्थन कर रहा है, हम उसका धन्यवाद कर रहे हैं। सारी पार्टियों की सरकार राज्य में रह चुकी है, किसी ने भी किसानों के साथ में न्याय नहीं किया है, सबने किसानों को छला है। अच्छा, कब तक ये प्रोग्राम आपका नेशनल हाईवे का? शाम तक।